हेलो बच्चों, आज हमारा क्रेश कोर्स लेक्चर नंबर 10 है। कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो हमने वर्क डन के ऊपर छोड़ा था। हम बात कर रहे थे वर्क डन की। कल हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि दो बातें की थी। एक हमने बात की थी हीट की स्टूडेंट, और एक हम लोगों ने बात की थी बच्चों इंटरनल एनर्जी की। आज हम जो तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं वो वर्क डन की है। हालांकि मैं कल की क्लास में वर्क डन की थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, बाकी बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। हालांकि बता चुके हैं आपको एक बार, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से बता देते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी गैस एक्सपैंड होगी, उस कंडीशन में वर्क हमारा पॉजिटिव होना है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी गैस किसी भी कंटेनर के अंदर एक्सपैंड होती है, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है यानी गैस एक्सपैंड होती है, तो गैस के एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है, और वर्क पॉजिटिव होने का मतलब है वर्क बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यानी गैस वर्क कर रही है और गैस वर्क करके अपने आप को एक्सपैंड कर रही है बच्चों, एक्सपैंड कर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट? दूसरी कंडीशन यह है कि इस बार जो गैस है वो कंप्रेस्ड हो रही है, यानी वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम के घटने का मतलब है कि वर्क नेगेटिव है। समझ आ रही बात? जब भी गैस कंप्रेस्ड होगी वॉल्यूम घटेगा, यानी वर्क नेगेटिव है। ग्राफ कंडीशन में भी आपको ये बात याद रखनी है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव है, जब वॉल्यूम घटेगा तो वर्क नेगेटिव है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो वहां समझ आएगा आप लोगों को। और जब वर्क नेगेटिव होता है तो हम लोग बोलते हैं वर्क ऑन द गैस। थोड़ा आप लोग ध्यान दें वर्डिंग के ऊपर। जब वर्क पॉजिटिव है सो वर्क बाय द गैस, और जब वर्क नेगेटिव है वर्क ऑन द गैस, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास में वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में वर्क का, वह है ये PdV। ये हमारे पास में वर्क डन, चाहे बाय द गैस हो चाहे ऑन द गैस हो, दोनों कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशन कहूँ, हर एक सिचुएशन के लिए अगर कोई जर्नल फार्मूला है हमारे पास में वर्क का, तो बच्चों ये हमारे पास में वर्क का बिल्कुल वो जर्नल फार्मूला है, dW इज इक्वल टू PdV। P है प्रेशर और dV है चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं दूसरे फार्मूले की बात करूँ स्टूडेंट, तो दूसरा फार्मूला है NRdT। हमारे पास में स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला है NRdT, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है PdV, दूसरा फॉर्मूला है NRdT। N इज द नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट, और dT है चेंज इन टेम्परेचर, P प्रेशर है, और dV है चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इतनी बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कल की क्लास के अंदर भी इतनी बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि वर्क हमारा पॉजिटिव कब रहना है, नेगेटिव कब रहना है, फॉर्मूले क्या होंगे, आज तो ये समझ लीजिए कि हमें वर्क को डिटेल्ड में डिस्कस करना है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और उसकी सारी कंडीशंस को बहुत ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स उसके ऊपर बनाने हैं। ये बात आप लोग बच्चों ध्यान रखें अच्छे तरीके से। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों अपने, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 है क्या हमारे पास में बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 1 है बच्चों हमारे पास में, y एक्सिस पर है हमारे पास में प्रेशर, x एक्सिस पर है वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ ऐसे, ठीक है, और एरो का साइन मैंने ये बना दिया इसके अंदर बच्चों। ये हमारे पास में इनिशियल पॉइंट है A, ये हमारे पास में फाइनल पॉइंट है B। आज हमें वर्क से रिलेटेड बच्चों सभी बातें अच्छे तरीके से देखनी है। ये हमारे पास में फॉर्म ग्राफ है बच्चों, ग्राफ A से B की तरफ बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A से B की तरफ बढ़ रहा है। आप बच्चों ये देखिए कि यहाँ का जो वॉल्यूम आपको दे रखा है यह है V, यहाँ का जो वॉल्यूम आपको दे रखा है यह है 4V, ये वाला जो प्रेशर आपको दे रखा है वह है P, और ये वाला प्रेशर आपको दे रखा है 2P। ग्राफ आपके सामने, तो जब भी हम ग्राफ को देखेंगे हमारा पहला काम ये होगा कि हम ये पता करें वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है। आप एरो के साइन को जरा ध्यान से देखो,
एरो का साइन बाहर जा रहा है, यानी एरो का साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो एरो का साइन अगर ऐसे जा रहा है तो वॉल्यूम V से 4V हो रहा है, वॉल्यूम V से बढ़कर 4V हो गया। अगर वॉल्यूम V से बढ़कर 4V हो गया तो ऑब्वियसली इसका सीधा सा मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। ओके, तो ये कंडीशन तो हमने बना दी। अब हमें ये बताना है कि भाई आप ये बताइए कि इस ग्राफ के अंदर कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था, आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लाइन के नीचे का जो एरिया होगा वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आप ये समझिए लाइन के नीचे का एरिया ये है बच्चों, ये लाइन के नीचे का एरिया है, ये जो लाइन के नीचे का एरिया है ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए जरा इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, कितनी होगी इसकी वैल्यू। ये जो शेप आपके सामने बन रही है ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के वर्क निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले वर्क पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से वर्क हमारा पॉजिटिव है। कितना होगा, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए एक साइड हमारे पास में ये है और एक साइड हमारे पास में ये है, एक साइड ये है हमारे पास में, एक साइड ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो बच्चों ट्रेपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड हो गई P और ये वाली साइड हो गई बच्चों हमारे पास में 2P, यहां से लेकर यहां तक, तो P प्लस 2P, और उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी स्टूडेंट इनके बीच के गैप से। फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू गैप बिटवीन द पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये वाला गैप हम लोगों को चाहिए, 4V में से V को माइनस करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3V, हमने मल्टीप्लाई कर दी इसकी 3V के साथ, देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। वर्क इज इक्वल टू 2P और P 3P, ये 3V मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9PV डिवाइडेड बाय 2 और साथ में है पॉजिटिव। कुल मिलाकर स्टूडेंट हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर गैस आपकी एक्सपैंड होगी यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर गैस आप लोगों की कंप्रेस्ड होगी यानी वॉल्यूम घटेगा तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। अगर खाली लाइन आपको दे रखी है ओनली लाइन, तो पहले आप ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है स्टूडेंट। वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग काम किया और ये हम लोगों का आंसर बन गया, हमने लाइन के नीचे नीचे का एरिया निकाल दिया। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बच्चों वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस को लेकर है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस, पहले हम क्लियर कर लीजिए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। जो प्रोसेस जहां से स्टार्ट होकर वहीं खत्म हो जाता है वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है, और साइक्लिक प्रोसेस की खास बात यह है कि उसके लिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो के बराबर होता है। साइक्लिक प्रोसेस भाई कैसा होगा साइक्लिक प्रोसेस, जरा आप लोग देखें, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम। साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा जरा आप देखें भाई, मान लेते हैं कि कोई प्रोसेस हमारा ए से स्टार्ट हुआ और घूम फिर कर दोबारा से ए पर पहुंच गया, कोई प्रोसेस हमारा ए से स्टार्ट होकर फाइनली ए पर पहुंच गया, तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया स्टूडेंट, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू होना है वो जीरो के बराबर होना है। आपको सिर्फ इतना करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको सिर्फ इतना करना है इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल देना है, चाहे कैसा भी प्रोसेस बने आपका, रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, ट्राइंगल बने, ट्रेपेजियम बने, कुछ भी बन सकता है, आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके अंदर अंदर का एरिया निकाल देना है और वही एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपके सामने, मान लो कि एक स्क्वायर शेप है, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, आपको सिर्फ इसके अंदर अंदर का एरिया निकालना है जो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, अगर ये प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा,
क्लॉकवाइज, उस कंडीशन में वर्क रहने वाला है पॉजिटिव, और अगर ये प्रोसेस रहेगा एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट, उस सिचुएशन में वर्क रहने वाला है नेगेटिव। यदि प्रोसेस रहेगा क्लॉकवाइज तो वर्क रहेगा पॉजिटिव, और अगर प्रोसेस रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क रहेगा नेगेटिव। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या आया भाई, हम लोग मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पर है अपने पास में प्रेशर। बच्चों मैंने थोड़ा सिलेबस को पढ़ाने की स्पीड को कम कर दिया है जानबूझकर। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे पास में अभी काफ़ी टाइम है भाई, पूरा अप्रैल है हमारे पास में और पूरा मई है हमारे पास में। हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक आपका जो नीट यूजी का एग्ज़ाम होना है या जेई मेन का एग्ज़ाम होना है वो मई के एंड में होना है बिल्कुल, या जून के फर्स्ट वीक में होना है। तो कम से कम 2 महीने हैं हमारे पास में, और जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो यार जल्दबाजी में क्यों पढ़े, आप लोगों को भी कम समझ में आएगा या आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत टाइम है हमारे पास में, जितना हम लोगों ने सोच रखा है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, मत भूलिए मेरी बात जो मैंने आपसे कही थी, मैंने आपसे कहा था कि हमारा टारगेट है कि नीट में कम से कम 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम 35 क्वेश्चन हमें क्रैश कोर्स से लेने हैं बच्चों, और मेंस में 25 में से कम से कम हम लोगों को 12 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन हम लोगों को कवरअप करने हैं। अगर इतना बड़ा पोर्शन हम लोगों को कवर करना है तो थोड़ा हम लोगों को डिटेल में जाना पड़ेगा, एग्जाम्पल ज़्यादा देखने पड़ेंगे, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। अब जैसे ये क्वेश्चन बना हमारे पास में बच्चों, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम। क्वेश्चन ये आया कि भाई ये हमारे पास में एक सर्किल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये इसका अपर पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है। इसके बाद बच्चों देखो जरा, इस पॉइंट को हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया है, इस पॉइंट को हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया है, और ये जो प्रोसेस है हमारे पास में ये कुछ इस डायरेक्शन में है, दिख रही होगी डायरेक्शन। इस वाले प्रेशर का नाम है P1, इस प्रेशर का नाम है P2, इस वॉल्यूम का नाम है V1, इस वॉल्यूम का नाम है V2, ठीक है। आपको बताना है कि वर्क कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है भाई। बड़ा आसान है यार, सबसे पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन को देखूंगा तो तुरंत मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि यार ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। प्रेशर में और वॉल्यूम में साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, प्रेशर में और वॉल्यूम में साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम में ये साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है तो तुरंत मैं आप लोगों से कह दूंगा कि इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का जो चेंज रहने वाला है वो 0 के बराबर रहने वाला है। और अगर हमें इस प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, अगर हमें इस प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है आपके पास में, ये जो प्रोसेस है आपके पास में, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए भाई, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि कंप्रेशन में ज्यादा एरिया आएगा और एक्सपेंशन में कम एरिया आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में हम वर्क को नेगेटिव लेकर चलते हैं, नेगेटिव वर्क हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब होगा कितना जरा ये देखते हैं हम लोग। वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस के पाई। बच्चों एक बड़ी अजीब सी बात मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने आर स्क्वायर को लिख दिया R1 R2, मैंने आर स्क्वायर को लिख दिया R1 R2। मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं पहले आपको ये बताता हूं। देखो मैंने इसे लिख दी 2 रेडियस, हालांकि दोनों रेडियस सेम है लेकिन फिर भी मैंने आर स्क्वायर को थोड़ा खोल कर लिख दिया R1 R2। देखिए R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले आप ये देखिए, R1 का मतलब है रेडियस, ये वाली रेडियस R1 है। मान लेते हैं कि ये वाली जो रेडियस है ना आपके पास में, ये वाली जो रेडियस है ये R1 है, और ये वाली जो रेडियस है अपने पास में ये वाली, ये R2 है। पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं भाई। ये जो पूरी वैल्यू होगी आपकी, ये पूरा डायमीटर होगा, कैसे निकलेगा,
पी टू में से पी वन को माइनस कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, पी टू माइनस के पी वन निकल गया स्टूडेंट डायमीटर, पी टू माइनस पी वन। और अगर मुझे सिर्फ आधी वैल्यू निकालनी है, भाई पूरा डायमीटर निकल गया ये पी टू माइनस पी वन, मुझे निकालनी है रेडियस, तो पी टू माइनस पी वन को टू से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा पी टू माइनस के पी वन डिवाइडेड बाय टू। ये वाली रेडियस प्रेशर के टर्म में निकल गई। सिमिलरली अगर मुझे निकालनी है आर टू की वैल्यू, आर टू क्या है, ये आर टू है बच्चों, ये आर टू है, कैसे निकालूंगा, मैंने पहले V2 में से V1 को माइनस करके पूरा डायमीटर निकाल दिया, ये पूरा डायमीटर मैंने निकाल दिया, और फिर इसे दो से डिवाइड करके मैंने ये R2 निकाल दिया, V2 माइनस के V1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू माइनस के पाई अपॉन 4 P2 माइनस के P1 V2 माइनस के V1। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कुल मिलाकर कुछ हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से यहाँ आंसर बनाया है। अरे लॉजिक तो और कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है यार, पहले साइक्लिक प्रोसेस देखा तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर अंदर का एरिया निकालना है, फिर मैंने देखा कि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, फिर मैंने देखा कि ऑप्शन के अंदर ना आंसर जो मुझे दे रखा है वो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के टर्म में दे रखा है, तो मैंने एक रेडियस निकाल दी प्रेशर के अकॉर्डिंग, एक रेडियस निकाल दी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वैल्यू को पुट किया और आंसर हम लोगों का बन गया। कुछ इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या आता है अपने पास में, भाई अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट अपने पास में आता है प्रेशर वॉल्यूम। वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम। मैं एकदम से लेवल राइज नहीं करूंगा बच्चों, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे कि जिससे कि आप लोग उस बात को समझ पाए। ये हमारे सामने ग्राफ पूरा कर्व है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये स्टार्ट होता है ए बी सी डी से, ये प्रेशर दे रखा है, ये प्रेशर दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ का वॉल्यूम है V, यहाँ का वॉल्यूम है 4V, यहाँ का प्रेशर है P, यहाँ का प्रेशर है 2P। ठीक है, आपको बताना है कि वर्क डन बताइए कितना होगा, वर्क डन आपको वर्क डन की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान, जैसे ही मैंने ग्राफ को देखा बच्चों, भाई देखो ग्राफ को जरा ध्यान से, जैसे ही मैंने ग्राफ को देखा मैंने कहा यार ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं करना है, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, वर्क इज इक्वल टू साइक्लिक है, इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल देंगे। अब आप देखो, पता चल गया साइक्लिक है, अब आप देखो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, भाई जानते हो ना क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, देखो वॉच की जो क्लॉक होती है उसकी डायरेक्शन में है, ध्यान से, तो पॉजिटिव हो गया। एरिया कैसे निकालेंगे, 2p में से p को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा p, 4v में से v को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये निकलेगा 3v, लेंथ निकल गई है p, ब्रेथ निकल गई है 3v, सो आंसर इज 3pv, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा बच्चों। एक और बात मैं आप लोगों को साथ साथ बता देता हूं, मुझे पता चल गया कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इतना वर्क करना पड़ेगा, यानी मैं लिख सकता हूं वर्क इन ए बी सी डी इज इक्वल टू 3pv, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखिए, चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो जीरो के बराबर होता है। भाई पिछले दो सवालों से बताता हुआ आ रहा हूं, यूज अब कर रहे हैं, चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है इसीलिए डेल्टा यू ए बी सी डी किसके बराबर है, जीरो के। हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके मुताबिक किसी भी गैस को जो टोटल हीट दी जाती है उसकी वैल्यू होती है डी यू प्लस डी डब्ल्यू,
ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, ठीक है। सो आप लोग देखिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, चूंकि पूरा साइक्लिक प्रोसेस है ना, पूरा साइक्लिक प्रोसेस, इसीलिए डेल्टा यू हो गया जीरो के बराबर। डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन, ये हो गया 3PV के बराबर। सो कुल मिलाकर आंसर आ गया है प्लस 3PV। प्लस साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि इस गैस ने इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया है, वर्क डन इतना है पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी का चेंज इतना है जीरो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, और साइक्लिक प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया है बच्चों, किसने? गैस ने। तो ये प्रॉब्लम ठीक प्रॉब्लम है, आ जाती है, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, अब यहां से मैं थोड़ा सा लेवल राइज कर रहा हूं स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग अच्छे से फोकस करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या भाई इस बार हमारे पास में। ओके, ये कंडीशन हमारे पास में हो गई बच्चों, हल्का सा लेवल हम लोग राइज कर देते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या बनी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, y एक्सिस पर है प्रेशर, x एक्सिस पर है वॉल्यूम। ध्यान से आप लोग देखिएगा, y एक्सिस पर प्रेशर है, x एक्सिस पर वॉल्यूम है। हमारा जो एक ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से a से b तक जाता है बच्चों, हमारा एक ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, a से b तक जाता है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, थोड़ा ध्यान दें, वॉल्यूम v से बढ़कर 2V हो जाता है, वॉल्यूम वी से बढ़कर हो जाता है 2V। सीधा ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया है ए से बी। अब हम लोगों को गिवन क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान दें आप लोग सभी लोग, हम लोगों को गिवन क्या दिया है, हमें गिवन ये दिया है कि जब हम ए से बी जाएंगे तो प्रेशर की जो वैल्यू रहने वाली है वो अल्फा वी रहने वाली है। ये प्रोसेस इक्वेशन है हमारे पास में, जब हम ए से बी जाएंगे गिवन दे रखा है, जो हमारे पास में प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा यार, हम तो चार रटे रटाए प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी पॉसिबल है। ये हमें प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी है, प्रेशर तो वेरिएबल हो गया यहां पर। क्वेश्चन अब हमारे सामने क्या बना, आप ये देखिए, प्रॉब्लम ये बनी स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को एक बड़े आसान तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी जाने, अगर कहीं जरूरत पड़े तो वो तरीका भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सके, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए एरिए के अलावा, जो हम लोग अभी एरिए का कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि साइक्लिक प्रोसेस आया तो अंदर अंदर का एरिया निकाल दो, और अगर अकेली लाइन, जैसे ये लाइन है ए से बी तक, तो लाइन के नीचे नीचे का एरिया निकाल दो, यानी लाइन के नीचे नीचे का ये वाला एरिया निकाल दो तो वर्क निकल जाएगा। हम लोग यहाँ एरिए वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हम कोई नया ही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, वर्क निकालने का एक और तरीका है अपने पास में, और वो है dW इज इक्वल टू pdV। ये वर्क का एक जर्नल फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास में, dW इज इक्वल टू pdV, वर्क का बड़ा ही जर्नल सा फॉर्मूला है pdV। हमें करना क्या है, अगर कहीं एरिए का कॉन्सेप्ट फेल हो जाए, एरिए का कॉन्सेप्ट आप ना लगा पाए, या आपके पास में सारी क्वांटिटीज गिवन ना हो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्या करेंगे आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जैसे ये इक्वेशन आपको दे रखी है ना, बस आपको बहुत छोटा सा काम करना है, प्रेशर की वैल्यू को स्टूडेंट यहां से उठाकर, ये जो अल्फा वी है ना प्रेशर के इक्वल, सीधा यहां से उठाकर यहां पुट कर देना है आपको। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो बनेगा dW इज इक्वल टू, प्रेशर कितना आ जाएगा, अल्फा वी डीवी। dW का मतलब बताएगा मुझे कोई क्या होता है, W का मतलब तो वर्क डन होता है, और dW का मतलब होता है स्मॉल वर्क डन, और अगर स्मॉल वर्क डन को बड़े वर्क डन में कन्वर्ट करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर हम कई बार पढ़ते हैं,
और जो जिन लोगों ने हमारे पास में पढ़ाया उन लोगों को मैंने कई बार इस बारे में बताया कि स्मॉल वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो डी डब्ल्यू छोटी वैल्यू है, हमें इसे बड़ी वैल्यू बनानी है। पहले तो ये बताइए कि यहां तक आप लोग समझ गए क्या, हमने करना क्या है? जहां एरिए का कॉन्सेप्ट ना लगे वहां हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। हमने एक काम किया बच्चों, हमने प्रेशर की वैल्यू उठाई और इस प्रेशर की जगह पुट कर दी। अब हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर, वी डी वी। देखिए लिमिट मैं क्या रखने वाला हूं, मैं लिमिट रखने वाला हूं जीरो से लेकर डब्ल्यू। बताइए वॉल्यूम कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए वाले पॉइंट, ग्राफ ए से स्टार्ट हुआ ना। बताओ ए वाले पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? वी। ग्राफ कहां जाकर रुका? बी पर। बी वाले पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? टू वी। लिमिट हो गई वी से लेकर टू वी, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, एल्फा बाहर है, वी की पावर वन है, इंटीग्रेशन करेंगे वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट वी से लेकर टू वी। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्क इज इक्वल टू एल्फा अपॉन टू। ये जो टू यहां लिखा हुआ है ना, इसे हम लोगों ने बाहर ले लिया, यहां से इस टू को हमने बाहर ले लिया। लिमिट पुट करते हैं अब हम लोग। लिमिट कैसे पुट करेंगे आप लोग देखो, वी की जगह हम लोग रखेंगे टू वी, टू वी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगाएंगे, वी की जगह हम लोग रखेंगे वी, ये हो जाएगा वी स्क्वायर। सो वर्क इज इक्वल टू एल्फा अपॉन टू, इसका स्क्वायर करेंगे फोर वी स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, सो फाइनल आंसर इज थ्री वी स्क्वायर एल्फा बाय टू। लो बच्चों कुल मिलाकर स्टूडेंट हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे मुझे उम्मीद है, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर। आप लोग इसे ध्यान से नोट डाउन करिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों से पूछे जाने वाली है। तो अभी हम लोगों ने वर्क की बात कर ली है बच्चों, हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी की बात कर ली है, हम लोगों ने हीट की बात कर ली है। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग एक जर्नल प्रॉब्लम पढ़ते हैं जिसके अंदर हीट भी निकालने के लिए आए, इंटरनल एनर्जी भी निकालने के लिए आए और हमारा वर्क भी निकालने के लिए आए। देखते हैं, एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम से। आप लोग बहुत ध्यान से जरा बोर्ड की तरफ देखें, ठीक है। देखिए जरा वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम, ठीक है। काफी कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है इससे। भाई ये हमें ग्राफ या कर्व या साइक्लिक प्रोसेस कहो, ये हमें दे रखा है। प्रेशर P है, प्रेशर 2P है, वॉल्यूम V है, वॉल्यूम 2V है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ये ग्राफ हमने बनाया है, ये वन मोल मोनो एटॉमिक गैस के लिए बनाया है, वन मोल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। वन मोल मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये पूरा ग्राफ हम लोगों ने तैयार किया है। स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना है? देखिए बहुत ही शानदार चीज बच्चों हम लोगों को निकालनी है, और वो क्या है मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए हम लोगों को निकालना है वर्क इन ए बी, वर्क इन बी सी, वर्क इन सी ए, और फाइनली वर्क इन ए से बी, बी से सी, सी से डी, सॉरी सी से डी हो गया है, और फाइनली हम लोगों को निकालना है बच्चों वर्क डी टू ए। हमें चार वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए से बी में वर्क निकालना है, बी से सी में वर्क निकालना है, सी से डी में निकालना है, और डी से ए में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बच्चों ए से बी में, ठीक है। देखो ए से बी वाली कंडीशन कौन सी है जरा गौर करिएगा आप लोग। भाई ये ए से बी की कंडीशन है, सिर्फ आप इस ए से बी पर ध्यान दो और किसी बात के ऊपर ध्यान मत दो आप लोग।
भूल जाओ कि ए बी के अलावा भी कोई और है यहां पर, हमें नहीं पता, सिर्फ ए बी है हमारे सामने, बी सी नहीं है, सी डी नहीं है, डी ए नहीं है, सिर्फ ए बी है। अब आप इसके एरो के साइन को देखो और एरो का साइन देखकर यह बताओ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है। अरे साफ पता चल रहा है यार, एरो का साइन बाहर जा रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क हो गया पॉजिटिव। वर्क हमारा कैसा हो गया बच्चों? वर्क हो गया हमारा पॉजिटिव। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब कैसे निकालेंगे? इसके नीचे नीचे का एरिया निकाल दो, इसके नीचे का पूरा एरिया, यहां तक पूरा एरिया, ये पूरा एरिया नीचे तक यहां तक निकाल दो। कैसे निकालेंगे? देखो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी, ये जीरो है, जीरो से लेकर 2p, ये पूरी साइड हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास में 2p। ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, 2v में से v माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में v। लेंथ हो गई है 2p, ब्रेथ हो गई है v, तो a से b में जो हमारा एरिया निकल गया वो है 2p। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। वर्क हम लोगों ने निकाल दिया a से b में, कितना निकाला, 2pv। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं b से c में। देखो b से c, आप इस bc को गौर से देखो जरा, b से c। मैं आपको एक छोटा सा ये समझ लीजिए कि एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है आप देखिए जरा, अगर मैं इस bc वाले को आगे बढ़ाऊँ बच्चों, इस bc वाले को मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ और रेड रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने इसे आगे बढ़ाया है, तो ये जो bc वाला है ये वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई। वॉल्यूम से 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि ना तो गैस एक्सपैंड हो रही है ना गैस कंप्रेस्ड हो रही है, गैस का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर गैस का वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा तो गैस क्या कोई वर्क करेगी या अपने ऊपर कोई वर्क होने देगी? बिल्कुल नहीं होने देगी। वर्क का मतलब ही तभी है जब क्या तो गैस एक्सपैंड हो या कंप्रेस्ड हो। तो मैं कहूंगा बीसी में जीरो वर्क करना पड़ेगा, बीसी में कोई वर्क नहीं होगा, जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं, क्यों, चलो जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट है। सीडी में आ जाते हैं, सीडी में देखो, सी से डी को जरा गौर से देखो, सी से डी, एरो का साइन दिख रहा है, अंदर जा रहा है, 2v से v की तरफ जा रहा है, यानी गैस कंप्रेस्ड हो रही है। गैस अगर कंप्रेस्ड हो रही है तो वर्क हो गया माइनस। अरे भैया वर्क कैसा हुआ? वर्क हो गया हमारे पास में माइनस। आप लोग ध्यान देंगे, लेकिन होगा कितना माइनस? इसके नीचे नीचे का एरिया निकाल दो यार, ये वाली साइड कितनी हो गई, ये वाली साइड हो गई अपने पास में वी, और सिर्फ ये वाली साइड कितनी हो गई, ये वाली साइड हो गई अपने पास में पी, तो इसका एरिया हो गया, लेंथ हो गई पी, ब्रेथ हो गई वी, इसका एरिया हो गया पी वी। ए बी के नीचे का एरिया इतना है लेंथ इंटू ब्रेथ करके, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है इसीलिए वर्क जीरो है, यहां का वर्क आ गया है माइनस के पी वी। डी से लेकर ए का जो वर्क आएगा हम लोगों का, देखो इस बार दोबारा से, डी से ए पर अगर हम जाएं तो इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैसे है वॉल्यूम कांस्टेंट? अगर डी ए को पीछे मिलाएंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। या मैं कहूं डी पर कितना वॉल्यूम है, वी, ए पर कितना वॉल्यूम है, वी, जितना वॉल्यूम डी पर है उतना ही वॉल्यूम ए पर है, यानी हम डी से ए गए जरूर लेकिन वॉल्यूम ना तो बढ़ा ना घटा। जब वॉल्यूम में ही कोई चेंज नहीं आया तो वर्क कितना हो गया बच्चों, जीरो। तो हमने अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकाल दिया है, ए बी का वर्क 2pv, बी सी का वर्क जीरो, सी डी का वर्क माइनस पीवी, और डी ए का वर्क जीरो। अब अगर मैं लिखना चाहूं वर्क इन ए बी सी डी, तो मैं लिखूंगा वर्क इन ए बी प्लस वर्क इन बी सी प्लस वर्क इन सी डी प्लस वर्क इन डी ए। भाई सभी को उठाकर जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? टोटल वर्क निकालना चाहता हूं, ए बी सी डी पूरे में वर्क निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? चारों को उठाकर ऐड कर दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, आंसर बनेगा पीवी। कुल मिलाकर इसके अंदर इतना वर्क होने वाला है। ये तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, इसके अंदर अंदर का एरिया निकाल देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन मुझे आप लोगों को ब्रेक करके समझाना था क्योंकि कई बार ब्रेक करने की जरूरत हम लोगों को पड़ जाती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अलग अलग प्रोसेस के अंदर वर्क निकालना आ गया होगा। ए बी में कैसे निकालना है, बी सी में कैसे निकालना है, सी डी में कैसे, डी ए में कैसे। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्क जीरो होगा, अगर वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो वर्क जीरो होगा, और बाकी प्रोसेस में वर्क निकालने का तरीका स्टूडेंट आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई वर्क की। अब इसी ग्राफ में हम लोग बात, मैं इसे रफ कर देता हूं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी ग्राफ में हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, इसी ग्राफ में बात करेंगे बच्चों। देखो कैसे, यहां प्रेशर, यहां वॉल्यूम, ये पूरा ग्राफ है अपने पास में, ए बी सी डी। देखो ध्यान से, प्रेशर पी, प्रेशर 2P, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम 2V, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। बात हो रही है 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस की। अब जरूरत पड़ेगी मोनोएटॉमिक की। देखो मोनोएटॉमिक का मतलब क्या है, मोनोएटॉमिक का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। ठीक है, ये और ये। सबसे पहले हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है ए बी में, ए से लेकर बी में हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो मैं एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं आप लोगों को। देखो क्या है, इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका है बच्चों F/2, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। बड़ा सुपर फॉर्मूला है यार, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। इसका यूज करके हम कोई भी कंडीशन बड़े आराम से बना सकते हैं स्टूडेंट। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है एबी प्रोसेस के अंदर। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल एनर्जी कुछ किस तरीके से फाइंड आउट होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ कौन से पॉइंट से स्टार्ट होकर कौन से पॉइंट पर खत्म होता है। ठीक है, देखिए जरा, डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू, देखो बच्चों एफ हो गया है अपने पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात हो रही है ए बी वाले प्रोसेस की, ए इज द इनिशियल, सो इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है ए बी प्रोसेस के अंदर। फॉर्मूला है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपने पास में 3/2। ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचता है तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हो गया है अपने पास में इनिशियल, और ये पॉइंट हो गया है फाइनल। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले फाइनल पॉइंट का डेटा पुट करते हैं, फिर हम लोग इनिशियल पॉइंट का डेटा पुट करेंगे। देखिए फाइनल पॉइंट का डेटा क्या है, यानी बी वाले पॉइंट का डेटा क्या है। बी वाले पॉइंट पर जो बच्चों प्रेशर है वो तो है 2P, और जो वॉल्यूम है वो है 2V, यानी फाइनल प्रेशर 2P और फाइनल वॉल्यूम 2V। सो फाइनल प्रेशर 2P, फाइनल वॉल्यूम 2V, बीच में लगेगा माइनस। सो अब आते हैं इनिशियल प्रेशर पर और इनिशियल वॉल्यूम पर। देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ए से बी की तरफ बढ़ गए, ए से बी की तरफ हम लोग गए, तो ये इनिशियल पॉइंट है। यहां प्रेशर 2P है और यहां वॉल्यूम है वी, सो ये हो जाएगा 2PV। देखिए आगे, डेल्टा यू ए बी इज इक्वल टू 3/2 2P इंटू 2V, यानी 4PV। 4PV में से 2PV हम लोग माइनस करेंगे तो 2PV बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे आंसर बचेगा 3PV। यानी AB वाले प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी है बच्चों, AB वाले प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी है अपने पास में वो इतनी है 3PV। मैंने जस्ट पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था ए बी वाले प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा 2PV, अभी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। और थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ए बी वाले प्रोसेस में जो टोटल हीट एब्जॉर्ब होनी है उसकी वैल्यू रहती है डेल्टा W प्लस डेल्टा U।
अब देखिए जरा डेल्टा डब्ल्यू कितना है, डेल्टा डब्ल्यू है 2 PV और डेल्टा यू है 3 PV। सो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल हीट होगी उसकी वैल्यू रहने वाली है 5 PV। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा बताइए ए बी वाले प्रोसेस में टोटल हीट कितनी एब्जॉर्ब होती है। तो पहले हम लोगों ने ए बी में वर्क निकाला, फिर हमने ए बी में इंटरनल एनर्जी निकाली, हमने दोनों को एडिशन किया, हमारे पास में आंसर निकल गया है 5 PV। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि बच्चों आप ये देखिए, मुझे बी सी वाले प्रोसेस में डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इन बी सी, फॉर्मूला वही है आपके सामने, एफ बाय 2 P final वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। डेल्टा यू इन ए बी इज इक्वल टू मोनो एटॉमिक गैस है बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3/2। अब बी सी को आप ध्यान से देखो और देखो कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है और टर्मिनेट यानी ख़त्म कहाँ पर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बी है और फाइनल पॉइंट हमारा सी है। अरे यार यहाँ भी हम लोगों को दिख रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ गलत दिख दिया यार, ये आना है यहाँ बी सी, डेल्टा यू बी सी, स्टार्टिंग का पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट सी है, यानी ये हो गया फाइनल प्रेशर, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर पी, फाइनल वॉल्यूम 2V, सो 2 PV माइनस इनिशियल प्रेशर हो गया बच्चों ये वाला, क्योंकि बी से सी की तरफ जा रहे हैं। देखो इस बी वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है 2P, वॉल्यूम कितना है 2V, तो ये हो जाएगा 4 PV। तो बच्चों अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू अपने पास में निकल कर आने वाली है माइनस के 3 PV, यानी बी सी वाले प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी इतनी रहने वाली है। मैंने पीछे वाली कंडीशन में आप लोगों को सिखाया था कि बी सी में वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से वर्क की वैल्यू ज़ीरो है, और वर्क अगर ज़ीरो है और इंटरनल एनर्जी इतनी है तो दोनों को जोड़कर हीट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मैंने कुछ कंडीशंस आप लोगों को बताई, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है, वर्क कैसे निकालना है हम आपको बता चुके हैं, और दोनों को ऐड करके आप टोटल हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों एक और सिचुएशन पे हम लोग आते हैं, जैसे कि ये समझिए कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए एग्जांपल है क्या, वाई एक्सिस पर है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, ये अपने पास में ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये ए पॉइंट है। चलो ग्राफ की इस बार शेप बदल देते हैं यार, ग्राफ की शेप कुछ और रखते हैं इस बार। देखो मान लो कि हमारे पास में कुछ इस बार ऐसी कंडीशन आई बच्चों, ये सिचुएशन आती है, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है, ए से बी पर गए, बी से सी पर आए, फिर सी से ए पर आए, ये सिचुएशन है अपने पास में। माना कि ए वाले पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वह है वी, और सी वाले पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वह है 2V, ए वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वह है पी, और बी वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वह है 2P। ठीक है, हम लोगों से कहा क्या बच्चों, मैं आपको पहले ये बताता हूँ, हमें ये कहा कि भाई हमारे पास में 1 मोल डाई एटॉमिक गैस है, 1 मोल डाई एटॉमिक गैस है, तो हमें बताना है डेल्टा क्यू इन सी ए, ये जो सी से ए तक का प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ सी से ए तक जा रहा है, तो सी से लेकर ए तक जाने में कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी और कितनी हीट रिलीज होगी हम लोगों को ये बताना है। तो अगर हमें सी ए वाले प्रोसेस में हीट कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो पहले हमें दो चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे, एक हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, आप सिर्फ सी ए को देखो, मैं लिखता हूँ डेल्टा डब्ल्यू इन सी ए। ठीक है, देखो एरो का साइन अंदर की तरफ है, 2V से V की तरफ जा रहा है, यानी वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम के घटने का मतलब है कि गैस कंप्रेस्ड हो रही है, और गैस अगर कंप्रेस्ड होगी तो वर्क ऑन द गैस होगा बच्चों, वर्क ऑन द गैस,
और जब वर्क ऑन द गैस होता है तो नेगेटिव होता है। हम लोगों को पता चल गया कि भैया सी ए के अंदर जो वर्क रहने वाला है वो नेगेटिव रहने वाला है। कितना वर्क रहेगा जरा देखते हैं। ये वाली जो लेंथ हो गई अपने पास में, ये हो गई पी, ये जो ब्रेथ हो गई, टू वी में से वी को माइनस करेंगे, ये हो गई वी, ठीक है। टू वी में से वी को माइनस करेंगे वी, ये हो गया पी, ठीक है। ध्यान से जरा देखिएगा और देखते हैं कि इस लाइन के नीचे कितना एरिया आएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस के पी वी, देखो लेंथ हो गई ये पी, ये हो गई ये वी, भाई हमें इसके नीचे का एरिया चाहिए, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, टू वी में से वी को माइनस करेंगे, आंसर आ गया। यानी सी ए वाले प्रोसेस में हमें इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं स्टूडेंट, जरा देखिए सेकेंड क्या है। अब हमें निकालनी है इंटरनल एनर्जी इन सी ए प्रोसेस, सी से लेकर ए तक जाने में कितनी इंटरनल एनर्जी होगी। और मैं जस्ट अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई इंटरनल एनर्जी का जो अपने पास में फॉर्मूला है वो ये है, एफ बाय टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ओके स्टूडेंट, ये है हमारे पास में इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। सबसे पहले बताएं कि कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहने वाली है वो 5 रहने वाली है। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो बच्चों ये हो चुका है 5/2। अब हमें देखना है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल कितना होगा। कैसे बताएंगे स्टूडेंट, जर्नली जो ग्राफ है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ये हो गया है पी इनिशियल वी इनिशियल, यहाँ ख़त्म होता है, तो ये हो गया है पी फाइनल वी फाइनल, यहाँ हो गया है पी इनिशियल वी इनिशियल, और यहाँ हो गया है पी फाइनल वी फाइनल। वैल्यूज़ को यहाँ जरा पुट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। पी फाइनल और वी फाइनल, ये इनिशियल है ये फाइनल है, यहाँ प्रेशर कितना है पी, वॉल्यूम है टू वी, ये फाइनल है प्रेशर पी और वॉल्यूम वी, प्रेशर फाइनल प्रेशर पी फाइनल वॉल्यूम वी, तो ये हो गया बच्चों पी वी माइनस इनिशियल प्रेशर, यानी यहां से ग्राफ यहां जा रहा है तो ये इनिशियल हो गया, यहां प्रेशर कितना है पी, यहां वॉल्यूम कितना है, इस वाले कॉर्नर को यहां देखो और यहां देखो, ये वाला कॉर्नर इस वाली एक्सिस पर देखो और इस वाली एक्सिस पर देखो, इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर पी है और वॉल्यूम टू वी है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रेशर है पी वॉल्यूम है टू वी। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा, डेल्टा यू इन सी ए माइनस 5PV डिवाइडेड बाय 2, इतना आएगा डेल्टा यू सी ए में, यह आएगा वर्क डन सी ए के अंदर। सो हीट देखते हैं कितनी होगी, हीट इन सी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू इन सी ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन सी ए। अगर आपको सी ए वाले प्रोसेस में हीट बतानी है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे आंसर आएगा माइनस के 7PV बाय 2, यानी सी ए वाले प्रोसेस में इतनी हीट एब्जॉर्ब, इतनी हीट रिलीज होने वाली है बच्चों, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब आपका काम यह है कि बी सी वाले प्रोसेस में आपको बिल्कुल यही काम करना है। बी सी में आपको हीट निकालनी है, फिर आपको ए बी में हीट निकालनी है। सी ए में इतनी हीट आई है, बी सी में आप खुद हीट निकालेंगे, ए बी में आप खुद हीट निकालेंगे, और तीनों को ऐड करके मुझे एक फाइनल अमाउंट आप हीट का बताएंगे कि कितना आएगा। कमेंट में आप मेंशन करेंगे कि बी सी में कितनी हीट आई है, ए बी में कितनी हीट आई है, और तीनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट कितना आया है, ठीक है। तो ये बात स्टूडेंट हमारी हो गई है वर्क को लेकर। हम लोगों ने इसके अंदर अभी तीन चीज़ें पढ़ ली हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पूरे चैप्टर में कोई चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो तीन चीज़ें हैं बच्चों, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। कल हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे। देखो प्रोसेस में इतना ज़्यादा काम है नहीं, ये समझ लीजिए कि और इस चैप्टर में हमारी तीन क्लास लगेंगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पॉइंट हम लोग मिस करें, पूरी थर्मोडायनामिक्स से तीन क्वेश्चन हमसे आने हैं, तो कल इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, दो क्लास और लगेगी, ये पूरा थर्मोडायनामिक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझें, रिवाइंड कर करके आप अपनी वीडियोस को देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर करें। आज की वीडियो के साथ में मैं लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूँ जिसके ऊपर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आते हैं या जिन्हें आप बना सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करना स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट।